आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मतलब जो पिछली दो क्लासों में मैंने बताए हैं उनसे आगे थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी देखें कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। और पहले मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क में दोनों क्वेश्चन किए होंगे। आप चेक करें आपका आंसर आया था कि नहीं आया था, ये आपकी जिम्मेदारी है मतलब। लेकिन मैं उसको सोल्यूशन यहाँ बताता हूँ, आप चेक करें अगर कहीं गलती हो रही तो सुधारें, फिर उसके बाद आगे मैं क्वेश्चन और बताऊंगा। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन बोला था आपके होमवर्क के लिए वो आप पहले क्वेश्चन आप उसमें से एक जो क्वेश्चन ये था आपको कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितने रुपए दिया हुआ था, 31 रुपए दिया हुआ था। तो आपको बताना था कि प्रिंसिपल कितना है। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन पहला जो मैंने होमवर्क में आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 1 जो होमवर्क में आपको था वो CI माइनस ESI का जो डिफरेंस दिया था वो कितने रुपए दिया था, तो आपने कहा 31 रुपए दिया था। आपको समय कितना दिया था, टाइम कितना दिया था, तो आपने कहा कि 3 वर्ष दिया था। और उसके बाद आपको रेट यानी कि दर, इसे हिंदी में कहते हैं दर, ये आपको कितना दिया हुआ था, तो आपने कहा कि ये 10% दिया हुआ था। बस एक काम आपको करना होगा, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आप इसका आंसर चेक करें आपका सही है कि मैं सबसे जो 10% आपका जो होता है उसे हम सब जानते हैं कि क्या हो जाएगा, जैसे 1/10 होता है, भिन्न के रूप में इसे क्या लिखा, फ्रैक्शन के रूप में इसे क्या लिखा जा सकता है, 1/10 लिखा जाता है। अब मैंने एक चीज बताई कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें CI और SI का डिफरेंस हो, मुझे ज्ञात क्या करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, पीक प्रिंसिपल ज्ञात करना है ये कितना होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होगा, ये देखना होगा कि यहाँ पर कितने सालों के लिए बात कर रहा था, तो आपने कहा 3 सालों के लिए, CI और SI का अंतर कितना दिया हुआ, तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो 15-31 रुपए दिया हुआ, रेट कितना दिया, 10 रुपए दिया हुआ। तो मैंने बताया था आप सबको ये सरल करते हैं जो क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल एक मानना होता है वो कैसे माना जाता है, तो आपने कहा जो रेट होता है वो 1/10 है। अब ये कितना ऐसे लेना है प्रिंसिपल, आपने ये मान लिया कि यहाँ पर जितने साल का जिक्र करेंगे, 3 साल का जिक्र करा तो इसकी घाते 3 करूंगा, अगर यहाँ 2 साल का करता तो मैं 2 करता, तो जब अगर मैं 10 की घाते 3 कर दूंगा, क्यों कर दूंगा, क्योंकि समय मुझे 3 दिया, तो इसकी घाते करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये मैंने प्रिंसिपल मान लिया, ये मैंने मूलधन क्या कर लिया अपना मान लिया, यहाँ तक तो आपने कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या मैं करूंगा, हम सबको पता होता है प्रिंसिपल निकालते समय, प्रिंसिपल अगर आपने ये मान लिया तो मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे 3 साल के लिए रेशियो मेथड से कैसे निकाला जाता है, तो रेशियो मेथड का मैं यहाँ पर यूज करके जल्दी से निकालता हूँ। रेशियो मेथड मैंने बताया था कि रेशियो कैसे लिखी जाती है, तो आपने कहा यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। अब आप देखें आगे थोड़ा सा इसका कितना परसेंट लेना है, कितना भाग लेना है, 10% लेना है या फिर 1/10 भाग लेना है, बात तो वही है। तो आप इसको अगर 1010 भाग 1/10 भाग लेंगे तो कितना आ जाता है, आपने कहा 100, ये हो गया। फिर इसके बाद जो 100 रुपया था उसका मुझे क्या करना था, 1/10 भाग लेना होता है, तो मैंने कहा कि कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 10 हो जाएगा। फिर 1/10 का अगर 10 भाग ले, 1/10 है उसका 1/10 भाग लेना हो, तो आपने कहा आंसर कितना था, 1 हो जाएगा। अब आप इसको गुणा कर लें, इसका अगर आप गुणा करेंगे 3 × 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाता है। इसका अगर आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। अब मैंने ऊपर आपको बताया तो ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसे क्या बोलते हैं, इसे साधारण ब्याज बोलते हैं। ये ऊपर वाला आपका क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। अब जो ये नीचे वाला जो भाग होता है, अंतिम में जो 2 भाग होते हैं वो क्या होता है, आपका साधारण ब्याज होता है और माइनस चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, अंतर होता है। वो दोनों के बीच में क्या होता है, वो अंतर होता है। ये आपको यहाँ से अब आप अगर चेक करोगे इन दोनों के साधारण ब्याज, यहाँ पर आपका होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर आप चेक करोगे तो वो कितने रुपए दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा 31 रुपए दिखाई दे रहा है। और मेरे क्वेश्चन में भी यही दिया कि ये कह रहा है साधारण ब्याज वाला चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होना चाहिए, तो मैंने कहा 31 रुपए यहाँ भी, यानी कि आपने जो प्रिंसिपल माना, मूलधन माना था 1000 रुपए, वही आपका आंसर है। तो अगर आपने किया होगा इसका आंसर, अगर जिन लोगों के 1000 आ रहे हैं वो उनके आंसर क्या हो रहा है, सही है। ये 1000 रुपए आपका क्या था, प्रिंसिपल था, जो आपने सुनने वाला बोल दिया था। ये क्वेश्चन था, आपको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं अगला वाला जो होमवर्क था वो मैं बताता हूँ कि वो क्या, जो होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन था आप उसे देखें कैसे, दूसरे वाले क्वेश्चन का भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, उसको भी आपको रेशियो मेथड करना। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप हमेशा रेशियो मेथड से ही करें, क्योंकि रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होता है। अगर आप फार्मूला यूज करेंगे, अगर आप किसी मेथड से आप जाएंगे सरल करेंगे, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी हो ऐसे क्वेश्चन, जब भी आपको कहीं भी मतलब मिले आप पेपर में, आपके पेपर में, तो वो आप क्वेश्चन ऐसे करोगे। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे वो क्या कह रहा है, कि कह रहा है दूसरे वाले जो क्वेश्चन है उसमें कितने साल के लिए वो जिक्र कर रहा था, तो कहा था किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितने रुपए दिया हुआ था, वो कहा था 65 रुपए दिया था।
यहाँ पर आपकी जो पहली जिम्मेदारी है सीआई माइनस एसआई का, वो दोनों का अंतर कितने दिया, तो आपने कहा 65 रुपए दिया हुआ। आपका यहाँ पर टाइम यानी समय कितना दिया हुआ, टाइम मतलब समय होता है, समय कितने साल का, तो आपने कहा 2 साल के लिए दिया हुआ है। रेट मतलब क्या होता है, आपने कहा कि दर होती है, ये दर कितने परसेंट दिए, तो उन्होंने कहा 10% दिए। मैंने एक चीज बताया आपको निकालना है क्या, तो आपने कहा कि प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा रेशियो मेथड यूज किया जाता है, जो मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट मेथड है, आप उसी को अडॉप्ट करें। उसके अलावा किसी और मेथड को अगर आप यूज करोगे तो आपके क्वेश्चन जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट मेथड, आपका टाइम टेकिंग बहुत लेस है इसमें, और ये इसका सोल्यूशन आप बहुत जल्दी कर सकते हो। जैसे देखो आप इसमें क्या करना है, मैंने कहा कि 10% को क्या लिखा जा सकता है, तो आपने कहा कि इसे 1/10 भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैंने कहा ये अगर 1/10 अगर आप भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, तो हम सबको पता होता है नीचे वाला मेरा क्या होता है प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला मेरा क्या होता है इंटरेस्ट होता है, यानी कि ये मेरा क्या होता है ब्याज होता है। तो मैंने बताया था हमेशा कि नीचे वाला प्रिंसिपल होता है ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। अब मैंने कहा कि यहाँ से ही आपको क्या होगा प्रिंसिपल आपको मानना होगा, पी मानने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे मानेंगे आप पी का कितना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर जो 1/10 लिखा हुआ है ये जो आपका है, यहाँ से मैंने बताया कि कितने साल के लिए, तो आपने कहा 2 साल के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी है इसको क्या करोगे 2 साल के लिए मान लोगे। अब यहाँ से अगर आप चेक करोगे पहले का 10 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर आप कितनी बार लिखोगे 10 का स्क्वायर, लेकिन 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना, 2 साल के लिए मैंने बताया था मेथड, रेशियो मेथड से कैसे निकाला जा सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपने कहा कि 2 लिखा जाता है 1 लिखा जाता है, ये अनुपात होता है लिखने का 2 साल के लिए। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आप इस वाले फॉर्म में लिखेंगे तो आपका सीधा यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकलेगा। तो मैंने कहा कि यहाँ से जो 2 साल है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2 साल के लिए, तो 2 और 1 का रेशियो बनता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे ये लिखे जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखो ये आपने प्रिंसिपल कितना माना है, तो आपने कहा 100 रुपए माना हुआ है, तो 100 का पहला वाला हिस्सा कितना लेना है, तो आपने कहा 10%, तो 100 का 10% कितना होता है, तो आपने कहा कि 10 होता है। कितनी साल के लिए, तो कितनी बार लेना, 2 बार लेना है। इसके बाद यहाँ से 10 का, क्योंकि मुझे इस वाले भाग में ब्याज मिलेगा, तो मैंने कहा 10% कितना होगा, तो आपने कहा 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में कर दीजिए, तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा, आपने कहा 20, ये आंसर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 1 हो जाएगा। ये हम सबको पता होता है, ये क्या होता है मेरा साधारण ब्याज होता है, इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अगला वाला जो आपका होता है वो आप, ये क्या होता है, ये साधारण ब्याज, ये आपका क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज के बीच का क्या होता है अंतर होता है, यही होता है, मैंने बताया था ये दोनों के बीच का क्या निकलता है, सीधा सीधा आपका यहाँ से अंतर निकल जाता है। अब आगे देखो ये जो आपका अंतर निकल रहा, आपने अजीब किया 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है, आपका अंतर कितने का मिला 1 रुपये का, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन में आपको कितना रुपये दिया हुआ, तो आपने कहा 65 रुपये, इस 1 अनुपात के बराबर आपको कितना रुपया दिया हुआ है, तो आपने कहा 65 रुपये दिया हुआ, यानी कि 1 से 65 जाने में मुझे कितना गुणा करना पड़ेगा, तो आपने कहा 65 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 100% अगर 1 अनुपात का मान 65 है, 100 अनुपात का, या 100% का मान निकालने के लिए 1% अगर आप माने अनुपात माने, यहाँ से 100% का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो 100 को आप क्या करोगे 65 कर दोगे, 65 के बाद यहाँ से 2 जीरो लग जाएगा, ये 6500 रुपये आपका क्या रहा होगा मूलधन रहा होगा, जिसे प्रिंसिपल कहा जाता है, ये आपका आंसर है। ये अगर जिसने आपको किया होगा, जो जिन लोगों ने किया होगा, अगर जिनका आंसर 65 आ रहा है तो उनके आंसर सही है, जिनके नहीं आ रहे आप चेक करें कि आपने कहाँ गलतियाँ हैं। अगर आप किसी और मेथड से कर रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आप रेशियो से करें, हमेशा रेशियो मेथड बेस्ट होता है। इससे करने के बाद आपका क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। तो एक और मतलब इसके आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए थोड़ा सा आप, मतलब आज मैं अगला वाला क्वेश्चन बताता हूँ होमवर्क के बाद। एक क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए दिया हुआ है, तो वो कह रहा है कि आपको 8 रुपए दिया हुआ है, तो धनराशि ज्ञात करनी है आपको। यहाँ पर जो साधारण ब्याज यानी कि अगर आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितने रुपए दिया, तो आपने कहा 8 रुपए दिया हुआ है। आपका रेट कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा रेट जो आपका दिया हुआ है 4% दिया हुआ है। आपका टाइम यानी समय कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा कि 2 साल के लिए दिया हुआ है, समय आपका कितना है 2 साल है। अब आपको क्या करना है कि रेट जो मतलब ये 4% क्या, मैं 4 को जैसे परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 आता है, इसको सरल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकालना है मुझे, तो मुझे निकालना है प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल में मूलधन निकालना, वो मैंने कहा कि आप प्रिंसिपल कैसे डिसाइड, एक मान लो प्रिंसिपल ये जो नीचे वाला भाग होता है प्रिंसिपल होता है ये 25 है अभी के लिए, ये कितनी बार लेना, तो आपने कहा कि इसका स्क्वायर लिया जाएगा, मैंने बताया कि 2 साल तक यहाँ पर स्क्वायर किया जाता है। अगर मैं प्रिंसिपल को अगर पी को अगर ये मान लेता हूँ कि पी 25 का स्क्वायर तो हम सबको पता था कितना होता है 625 होता है। अब इस 625 का जो दिया गया है
आप क्या करोगे इस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे कितने समय के लिए, तो आपने कहा दो साल के लिए। दो साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, तो आप देखो यहाँ से दो लिखा जाएगा, यहाँ पर एक लिखा जाएगा, आप सबको पता ही होगा। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो आपका 625 आपने जो प्रिंसिपल माना है उसका कितना भाग लेना है, तो आपने कहा 2500 भाग लेना है। हम सबको पता था 625 का 2500 भाग कितना था, तो आपने कहा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करें आप, ये 25 का 25 भाग लेना है, इस 25 का 1/25 भाग लेना, तो उसका आंसर कितना रहेगा, आपने कहा एक। इसका अगर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, दो 25 का मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना रहेगा, 50 रुपए। इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। मैंने ये कहा था आप सबको ये कौन सा होता है, ये साधारण ब्याज होता है, ये तो आपका साधारण ब्याज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका होता है वो का क्या होता है, तो आपने कहा कि सीआई माइनस एसआई का ये अंतर होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये होता है। अब आपको देखो यहाँ से आपका एग्जैक्टली आपका कितने रुपए माना है मूलधन, तो आपने कहा कि 625 रुपए मैंने मूलधन माना है, अंतर कितने रुपए का रहा, 1 रुपए का रहा, लेकिन आपको अंतर कितना चाहिए, 8 रुपए चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर 1:1 या 1% बराबर आप जो भी मान लें अनुपात मान लें परसेंटेज मान लें उसके बराबर अगर 8 रुपए आ रहा है, तो आपने ये जो माना है यानी कि 625 रुपए माना उसका कितना गुना हो रहा है, ये इससे कितना गुना है, तो आपने कहा कि 8 गुना है, यानी कि 625 रुपए जो आपने माना है उसमें क्या किया जाएगा, आपने जो प्रिंसिपल माना है उसमें क्या करो 625 में 8 से गुणा कर दिया जाएगा। अगर इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो ये आपका जो है मूलधन यहाँ से निकलेगा, और मूलधन यहाँ से आपका निकलेगा, मूलधन कैसे लिया आप 8 5 40 होता है, 8 9 16 24 होता है, 8 6 48 होता, और उसमें 2 जोड़ दे 50 जाएगा, ये 5000 रुपये आपका क्या निकलेगा, आपने कहा कि ये मूलधन निकलेगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे आप ऐसे इसी मेथड से करो कि आपको बहुत इजीली तरीके से ऐसे आंसर निकले। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया रहेगा और आपको प्रिंसिपल निकालना होगा मूलधन निकालना होगा, तो इस मेथड से आप करेंगे। ये आप इसको आप नोट करें, फिर उसके बाद मैं अगला वाला क्वेश्चन बताता हूँ कि अगला क्वेश्चन कैसे किया जाए, दूसरे पैटर्न जो आपके मतलब है जो उसके वाला एक क्वेश्चन ये है, यदि कोई धन 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाता है, कहता है कि 2 वर्षों में कितना रुपए हो जाता है, 2 वर्षों में कोई धन कितना हो जाता है, तो आपने कहा कि 2 वर्षों में ये जो रुपया हो जाता है वो कितने रुपए हो जाता है, 8000 रुपए। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आगे उसके बाद पढ़ें। और वही धन 5 वर्षों में कितना हो जाता है, वही धन आपके 5 वर्षों में कितना हो जाता है, तो आपने कहा कि ये जो धन है 5 वर्षों में वो आपका जो हो जाता है वो 27000 रुपये हो जाता है। कितने हजार रुपये हो जाता है, 27000 रुपये निकल जाता है। अगर कोई धन 2 वर्षों में कितना है, 8000 रुपये है, 5 वर्षों में 27000 रुपये है, वो कहता हो जाता है, तो आपको क्या निकालनी है, दर ज्ञात करनी है, आपको रेट निकालना है, दर ज्ञात करनी है, क्या हो जाएगी दर। अब एक चीज आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रेशियो मेथड से आप कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये आप देखें, वरना और किसी मेथड से आप करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, टाइम पेपर में नहीं होता है। अब आप देखें इसको, हमें पी नहीं पता है, यानी पी मतलब क्या, मेरा प्रिंसिपल नहीं पता, यानी मेरा मूलधन मुझे नहीं पता है। मैंने कहा ठीक है मूलधन आप मान लो कुछ भी रहा होगा, ये मुझे पता है कि मूलधन कुछ भी रहा होगा, उसमें दर कुछ लगी होगी, 2 वर्षों में क्या हो जाता है वो जो आपको धन मिलता है वो कितना हो जाता है, तो आपने कहा कि 8000 रुपये हो जाता है। आपने कहा कितने रुपए हो जाते हैं, 8000 रुपये हो जाते हैं। उस वही धन सेम धन आपको कितने 5 सालों बाद आपको कितना हो जाता है, तो आपने कहा कि 27000 रुपये हो जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने वर्षों का समय है, तो आपने कहा कि 5 वर्षों का समय है। अब आप ध्यान से चेक करोगे इन दोनों बीच के कितने वर्ष है, तो आपने कहा कि 3 वर्ष का अंतर है, ये आपका जो है 3 वर्ष का आपको अंतर दिया हुआ है। आपने कहा ठीक है ये 3 वर्ष का जो आपका अंतर दिया हुआ है, 3 ईयर का जो अंतर दिया है, आपने यहाँ पर नोट कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। ये जो संख्या है, ये जो संख्या अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इसे सरल करोगे, इनको इनके बीच की समय का पीरियड का अंतर कितना है, तो आपने कहा 3 साल का। ये जो होता है 2 साल होता है, तो मैं स्क्वायर बनाने का प्रयास करता, 3 साल होता है, इसे क्यूब बनाने का प्रयास करूंगा जो संख्या दी गई है। तो आपने कहा कि ये रुपया कितना, शुरुआत में आपको मान लीजिए आपके यहाँ पर 8000 रुपये है, और यहाँ से ये बढ़ के 3 सालों में कितनी हो जाती है, तो आपने कहा कि 27000 रुपये हो जाती है। हम सबको पता है कि ये 3 जीरो से 3 जीरो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको 8 दिखाई दे रहा है, ये 27 दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे देखोगे ध्यान से कि किसका क्यूब होता है, आपने कहा कि 8 किसका क्यूब होता है, हम सबको पता होता है ये 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, ये किसका क्यूब हो जाएगा, आपने कहा 3 का होगा। अब मैं यहाँ क्यूब ही क्यूब निकाल रहा हूँ, तो क्योंकि ये जो समय पीरियड का अंतर दिया हुआ वो कितने साल का, तो आपने कहा 3 साल का, इसलिए यहाँ पर मैं क्यूब निकाला हूँ। ये 2 साल का अंतर होता तो मैं यहाँ पर स्क्वायर निकाला होता, 4 साल का होता तो मैं 4 उसकी पावर 4 निकालना होता। अब इन दोनों के बीच का अगर आप इसे सरल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 2, ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपका जो धन रहा होगा 2 रहा होगा, जो आप 1 मिनट के लिए मान लो कि आपका अनुपात जो प्रिंसिपल रहा होगा मूल धन रहा होगा 2 रहा होगा, बाद में आपको मिश्रधन कितना
का हो जाएगा, तो आपने कहा 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपने कहा 1:1 का, 1:1 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना, तो आपने कहा 1 का है। 1 ऊपर लिखा जाता है, नीचे जो आपका मूलधन होता है, जो आपका रेशो निकला वो 2 है। यहाँ से आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। अगर आप इसको और इसको कट करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितने परसेंट आ जाएगा, आपने कहा कि 50% आ जाएगा। ये जो आपका 50% का आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई धन 2 वर्षों में 8 जाता और 3 वर्षों में इतना हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सरल रेशियो मेथड से बहुत आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, इसमें ये देखें आप क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपए कितने वर्ष में 676 हो जाएगा। 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपए कितने वर्ष में 676 रुपए हो जाएगा। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, टाइम पीरियड पूछे, कितना आपको यहाँ पर रेट दिया हुआ है, आपने कहा दर आपको कितनी दी है, तो आपने कहा 4% है, ये आपको दिया गया है। आपका यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज का शुरुआत में कितने रुपए देंगे, तो आपने कहा 625 दिया गया, बढ़ के कितना आ जाता, तो 676 हो जाता, ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। जो ये आपका क्वेश्चन है, जब भी आप ऐसे जब भी ये संख्या देखोगे तो आपको क्या मानोगे, प्रिंसिपल मानोगे, इसे मूलधन मानोगे, इसे अमाउंट मानोगे, अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। रेट आपको दिया हुआ, आपको टाइम पीरियड निकाला, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो आप पैसे निकालोगे। आप अगर ध्यान से इन सब क्वेश्चनों को देखोगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा कि 625 हम सबको पता होता है, ये 2 का ये 25 का स्क्वायर होता है, और 676 किसका होता है, तो आपने कहा कि 676 होता है वो 26 का होता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 25 अनुपात कितना लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये संख्या जो देखने की बात क्या दिखाई दे रही थी आपको, इस बार दिखाई दे रही थी। जब भी आपको ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा, आपने कहा कि यहाँ से इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपने कहा 1 है। आपका ये मूलधन आपका कितना है, तो आपने कहा कि 25 है, और आपको क्या निकालना है, तो आपने कहा कि यहाँ से मुझे क्या निकालना है, समय निकालना है, इसको और इसको भाग लगा दो, तो आपको कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये जो आपका सीधा सीधा आ रहा है 4% आ रहा है, यहाँ से जो आपका 4% के बराबर जो आपका आंसर दे रहा है, 4% के बराबर आंसर यहाँ से निकलेगा, परसेंटेज में मिलेगा। लेकिन रेट तो मुझे पता है, मुझे यहाँ पर आपको जो निकालना था, ये आपको क्या निकालना था, आपको समय निकालना था, समय में परसेंट में लेता नहीं, तो यहाँ से जो आपका टाइम पीरियड आता है, ये आपने इस बार इसी संख्या, जब भी ये संख्याओं का स्क्वायर मिलते हैं, जब भी संख्या ये मैंने चेक किया, ये इसको स्क्वायर है, ये मतलब 25 का, ये 26 का स्क्वायर है, आपका ये जो आंसर आ रहा है 4 आ रहा है, ये इससे 4 न लेके ये किसका स्क्वायर है, तो आपने कहा कि 2 का स्क्वायर है, यानी कि मुझे टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो 2 वर्ष हो जाएगा। सीधा सीधा ये जो आंसर आपका आ रहा है उसका चेक करेंगे किसका स्क्वायर है, तो आपने कहा 2 का है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में अब अगला क्वेश्चन सेम इसी एक पैटर्न में मैं आपको बताता हूँ, वो ये क्वेश्चन कहता है, आप देखें थोड़ा सा, कहता है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर, इस क्वेश्चन को मैं यहां से थोड़ा सा रफ करता हूं, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 हो जाएगा। सेम पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए तो ऐसे कैसे किया जाता है, तो आपने कहा कि यहाँ पर आपको कितना रुपया देगा, 800 रुपया, यहाँ पर आपका कितना है, तो आपने कहा कि 800, यहाँ पर आपका कितना रुपया दिया गया है, तो आपने कहा कि 882 रुपये दिया गया है, ये आपको रुपये दे दिए गए, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, 5% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 से कितने वर्ष में 882 हो जाएगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ से सीधा सीधा ये आप इसको थोड़ा सा सरल करेंगे कि कितना हो जाएगा, तो आपने 2 से काटा इसको, ये 2 से इसको भी काट दिया, 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अभी इस बार मुझे किसी का नहीं दिखाई दे रहा, मैंने कहा 2 से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 441 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये किसका स्क्वायर है, तो आपने कहा 20 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, तो आपने कहा 21 का स्क्वायर है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। अब मैंने कहा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपने कहा सीधा सीधा ये अंतर जो दिखाई दे रहा है वो 1 का दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा अंतर आपको कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मैंने कहा 1/20 कर दीजिए, यहाँ से आप इसको पूरे 100 कर दीजिए, सीधा सीधा अगर आप कट करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 5 हो जाएगा, तो ये 5 जो आपका आंसर आ रहा है ये सीधा वर्ष में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से आप ये क्या करोगे, वर्ष उठा लोगे सीधा सीधा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको टाइम यहाँ से निकाल लेना था, ये वाले क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। अब ये आप इसके बाद आप अगला क्वेश्चन आप देखें थोड़ा सा सेम इसी पैटर्न पे है, आपको आंसर यहाँ से जाके, तो ये जब जिस भी संख्या का स्क्वायर होती है वो ऐसे देखें यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे जो मैंने पिछला क्वेश्चन बोला है, वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि 13,310 हो जाएगी, आपको बताना है कितने समय में। आपको यहाँ पर रेट आपका जो दिया गया है, समय कितना दिया गया है, तो आपने कहा समय कितना है, वो आपका 10% है। आपका यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो कितना है, तो आपने कहा कि 10,000 रुपए है, ये आपका दिया हुआ है। आपका अमाउंट कितना दिया हुआ, अमाउंट यहाँ पर आप लिख लें, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, वो कितना दिया हुआ, तो आपने कहा कि 13,310 रुपए दिया हुआ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैंने कहा कि ये जो आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ से अगर आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, तो आपने कहा कि समय ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा कि ये संख्या जो आपको दिखाई दे रही है, जो प्रिंसिपल है, जो आपका अमाउंट दिखाई दे रहा है, ये आपको चेक करना है ये किसके स्क्वायर है या क्यूब। अगर ये स्क्वायर है तो आप समझ लें 2 सालों का, अगर आपकी ये संख्या क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, समय पीरियड कितना हो जाएगा, 3,000। अब हम सब पता होता है कि ये जो आपका 10,000 है, ये जो आपका संख्या 10,000 लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा इसको सरल करता हूँ, तो मैंने कहा कि यहाँ पर हम सबको रेशियो बनाते समय यहाँ पर P लिखा जाता है, यहाँ पर A लिखेंगे हम, यहाँ रेशियो लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका क्या है, तो आपने कहा कि 10,000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना है, तो आपने कहा कि 13,31 से यहाँ 0 है, ये 0 से 0 अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये मुझे कितना दिखाई देता है, तो आपने कहा ये 13 है, ये मुझे कितना दिखाई देता है, 13,31 दिखाई देता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितनी दिखाई दे रही है, 3, ये कितना दिखाई दे रहा है, 11 की पावर कितना दिखाई दे रहा है, 3। ये संख्या 10 की घात 3 है, ये भी संख्या 11 की घात 3 है, यानी कि मेरा अगर समय पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा समय आप बताने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधा आप ये बता दो यहाँ से जो घात आती है वही समय होता है, यानी कि 3 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, समय होता है। सेम पिछले वाले भी क्वेश्चन में ये करना था आपको, ये यहाँ से अगर आपको क्रॉस चेक करना, आपने सही किया है गलत किया है, ये जो आपका होता है 10 और 11 के बीच का अंतर कितना, तो आपने कहा 1 है, यहाँ से अगर आपने बटा 10 कर दिया, 100 कर दिया, तो आपको रेट कितनी निकल रही, 10%। आपने क्वेश्चन में भी दिया हुआ 10%, यानी कि जो आपकी घात आती है वही आपका समय आता। पिछले क्वेश्चन में भी सेम आपको यही करना था, आपके जो आंसर आ रहे थे वो आपको वहां पर 5% आ रहा, 5% के बराबर ही था, यानी कि आपको इस बार संख्या थी, समय मेरा कितना हो जाएगा 2 सालों का। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप ऐसे वाले मेथड से आप करेंगे तो आपको बहुत इजीली आपका क्या हो जाएगा, सरल कर लिया जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन मैं इसे थोड़ा सा अलग टाइप का बताता हूँ, जो मैं तब बता रहा था, आप उस ऐसे क्वेश्चन को देखें कैसे किया जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बोलता हूँ, आप देखें थोड़ा इसको आपने समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि मतलब जो भी प्रॉब्लम आप उन्हें शेयर करें, कमेंट करें, पता चले कि क्या दिक्कत हो रही है, समझ में आ रहा है तो उसमें कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन आप देखें थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और देखें, इसके बाद एक दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया जाएगा, वो आप जरूर करें, घर पे कभी खाली ना रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें थोड़ा सा क्या कह रहा है, कहता है कि 1280 रुपए 12.5% कितना रुपया है, तो आपने कहा कि ये आपका जो रुपया दे रहा है वो 1280 रुपया दे रहा है, 1280 दे रहा है, रेट कितनी दे रही है, तो आपने कहा कि 12.5%, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12.5% रेट दे रहा है। उसके बाद ये आपका जो है ना, ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपका जो पी है प्रिंसिपल वो दिया हुआ है, ठीक है, आप प्रिंसिपल कितना रुपया दिया हुआ है, तो आपने कहा 1280 रुपये, रेट कितना दिया हुआ, तो आपने कहा 12.5% है, ये जो आपका रेट है वो कितना है, तो आपने कहा 12.5%, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे चलिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष टाइम आपको कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, ठीक है, आपको समय कितना दिया गया है, 2 ईयर दिया गया है, ये समय आपको दिया गया है, 2 साल दे दिया गया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे चले। उसके बाद कहता है कि चक्रवृद्धि वर्ष है, उसको मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज का, तो मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, इसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं, और उसके बाद मुझे क्या ज्ञात करना है, इंटरेस्ट, दोनों चीजें आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, इंटरेस्ट मतलब आपका ब्याज ज्ञात करना है। ये ऐसे क्वेश्चन को मैंने कल बताया था, मैं फिर से बताता हूँ, आप देखें इसे, ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो आप कैसे करोगे, तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को रेशियो मेथड से किया जाता है। बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो 12.5% इसे क्या लिखा जाता है, 1/8 लिखा जाता है, ये जो होता है क्या होता है, पी होता है, और ये क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो मैंने कहा कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आप जहाँ पी लिखेगा, यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेरा अगर मैं मान लेता हूँ कि 8 है, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, तो उसमें ब्याज जो मिल जाएगा तो कितना जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। अब मुझे कितने समय के लिए लेना है, 2 साल के लिए, इसलिए मैं फिर से मैं इसको दूंगा, मैंने कहा कि मेरा प्रिंसिपल कितना जाएगा, आपने कहा 8, उसके बाद ये मेरा अमाउंट कितना जाएगा, तो आपने कहा 9 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 9 होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये आपका जो हो जाएगा
64 अनुपात बराबर का कितना आ जाएगा आपने कहा 81 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इस 64 अनुपात बराबर ही तो आपको दिया हुआ है। आपने कहा कि 64 अनुपात बराबर आपको कितना रुपए दिया, तो आपने कहा कि 1280 रुपए दिया हुआ, 1280 रुपए दिया हुआ है। अगर आप इसे सरल करोगे, एक अनुपात का मान निकालोगे, इसे अगर यहाँ से सरल करके अगर एक अनुपात का आप मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 20 रुपए हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से मुझे निकालना क्या है, एक अनुपात का मान अगर 20 रुपए निकालना है तो मुझसे अगर अमाउंट ही पूछ रहा है ना, अमाउंट मेरे कितने अनुपात निकले हैं, तो आपने कहा 81 अनुपात है, 81 में आप 20 का गुणा कर दोगे तो यहाँ से कितना जाएगा, तो 8 2 = 2 होता है, 8 × 16 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, यानी कि अमाउंट यानी मिश्र धन मेरा कितना हो गया, तो आपने कहा 1620 रुपये हो गया। आपको ब्याज निकालना है, ब्याज कैसे निकाला जाएगा, तो आपने कहा कि ब्याज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपने कहा कि 81 में से अगर 64 निकाल लिया जाएगा, 81 में से 64 आप निकाल लोगे तो आपको जो दिखाई देगा वो यहाँ पे 7 और यहाँ से कितना दिखाई देगा 17, ये 17 अनुपात है। अब एक अनुपात का अगर आपको मान पता है कितने रुपए है, 20 है, तो 17 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो ब्याज बराबर अगर आप देखोगे कि हाँ 17 × 20 करोगे ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 17 × 34 होता 340 रुपये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, तो आप जैसे क्वेश्चन को अगर आप बारे से करोगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आएगा आप रेशियो मेथड हमेशा अडॉप्ट करो, हमेशा इसे फॉलो करो, आपके क्वेश्चन बहुत ही तरीके से लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप उन सब क्वेश्चनों को घर पे करें, जरूर करें। उसके बाद अगले वाले टाइप के क्वेश्चन मैं कल थोड़े नए क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कैसे और भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, रेट अगर दोगुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, वो सब और भी टाइप के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं मैं बताऊंगा। तो आप लेकिन जिम्मेदारी है कि घर पे ज्यादा से ज्यादा होमवर्क वर्क करें, खुद से जो क्वेश्चन आए कमेंट से बॉक्स में नहीं, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा मतलब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, आप उनकी जिम्मेदारी आपकी है उनके क्वेश्चन को सोल्यूशन करें, आंसर बताएं, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, ना पसंद है तो डिसलाइक भी करें, लेकिन आप जरूर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन को पूरा वीडियो देखें, आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, बाकी अपने दोस्तों को व्हाट्सएप जितने भी फेसबुक जितना जहां भी ग्रुप हो आप सब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।